राहुल उग्रवादियों माओवादियों और टेररिस्टों से मिला हुआ है, वो देश विरोधी आदमी है, वो चाइना से मिला हुआ है, वो गद्दार आदमी है इस देश का। हमारे देश का सौभाग्य है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। हम पूरा भारत मोदी जी का फैन है। जो लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं वो खुद मिट जाएंगे। इस देश में सनातन एक ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म के का अपमान नहीं किया, लेकिन बार बार सनातन में अपमान करके क्या हमें तुम दोबारा परशुराम बनाना चाहते हो? अगर सनातन धर्म का अपमान हुआ हम परशुराम बनने में हमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। मुगलों भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, क्या सनातन मिट पाए? ये क्या मिटाएंगे? डीएमके के ए राजा खुद मिट जाएगा, लेकिन सनातन धर्म रहेगा, सनातन लोग रहेंगे, हिंदू धर्म रहेगा और भारत माँ भी यही रहेगी। लेकिन डीएमके तेरा वजूद नहीं रहेगा, न तेरा बाप रहेगा, न तू रहेगा इस धरती पर। सनातन के खिलाफ देखिए कोई भी एकजुट हो जाए, चाहे कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन मोदी जी और उनके निर्देश में जो भी हमारी पार्टी कार्य कर रही है या जो भारतीय जनमानस है वो इस सनातन परंपरा को समझ गया। सनातन कोई एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, सनातन एक ऐसी परंपरा है जो आदि काल से लेके अनंत काल तक रहेगी। मोदी है तो मुमकिन है। आज देश 100 साल में कोई सदियों में कोई एक महापुरुष जन्म लेता है और मोदी जी ने जन्म लिया इस धरती पर और धरती सोने की चिड़िया बनने वाली है। विश्व के तमाम देश भारत को बहुत आगे लेके जाएगा और भारत की जनता मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन इसी बीच अभी अगर बात की जाए, जैसे G20 सम्मेलन यहाँ चल रहा था, राहुल गांधी ब्रसेल्स में थे, उन्होंने तो कहा कि पीएम मोदी हमसे डर गए हैं, कांग्रेस INDIA से डर गए हैं पीएम। राहुल उग्रवादियों माओवादियों और टेररिस्टों से मिला हुआ है, वो देश विरोधी आदमी है, वो चाइना से मिला हुआ है, वो गद्दार आदमी है इस देश का। वो केवल गद्दारी की बात करता है तो दूसरे देश में जाकर अपने देश को बदनाम करे, वो देश का गद्दार है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का सौभाग्य है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। हम पूरा भारत मोदी जी का फैन है और मोदी जी के फैन हमेशा रहेंगे। हमें मोदी जी भगवान के रूप में मिले हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपने तिलक लगाया हुआ है और तिलक जो है सनातन धर्म में बहुत इसकी महत्वता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सनातन धर्म पर एक डिबेट चल रही है देश में। INDIA में एक दल शामिल है DMK, कांग्रेस के साथ उनकी सरकार भी है तमिलनाडु में, उनके नेता लगातार बोल रहे हैं और छोटे मोटे नेता ही, कोई उच्च शिक्षा मंत्री, कोई मुख्यमंत्री का बेटा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगातार बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो है यहाँ पर 26 दल शामिल हुए हैं, ये भी चीज़ें कही जा रही हैं। जो लोग सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं वो खुद मिट जाएंगे। इस देश में सनातन एक ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म के का अपमान नहीं किया, लेकिन बार बार सनातन में अपमान करके क्या हमें तुम दोबारा परशुराम बनाना चाहते हो? अगर सनातन धर्म का अपमान हुआ हम परशुराम बनने में हमें तनिक भी समय नहीं लगेगा, अपने प्राण दे देंगे लेकिन सनातन की रक्षा करेंगे। और जिसकी वजह मुगलों भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, क्या सनातन मिट पाए? ये क्या मिटाएंगे? DMK के ए राजा खुद मिट जाएगा, लेकिन सनातन धर्म रहेगा, सनातन लोग रहेंगे, हिंदू धर्म रहेगा और भारत माँ भी यही रहेगी। लेकिन DMK तेरा वजूद नहीं रहेगा, न तेरा बाप रहेगा, न तू रहेगा इस धरती पर। और जल्दी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हमारे सभी सनातनियों की एक वो है, हमारा शपथ है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारे देश को बहुत ही जल्दी हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। ये मोदी जी के अंदर ही पावर है जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, वो सिर्फ एक अकेले मोदी जी है जो कर सकते हैं। इसी बीच जो ये तमाम स्टेटमेंट्स आई कांग्रेस से, जब स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपके साथ गठबंधन में शामिल है, तो कांग्रेस ने कहा वो निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है उनको। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी फ्रीडम और राइट, ऐसी उनकी स्पीच, ऐसी उनकी आजादी, क्या दूसरे धर्म के बारे में, क्या दूसरे में खुल के कहता हूँ, क्या दूसरे धर्मों के बारे में इस तरह की अपमानित बातें कर सकता है कोई? उनके कर दिया जाएगा। केवल हिंदू, हम हिंदू सनातनी है, हम एक मच्छर और मट्टी भी नहीं मार सकते किसी को। आज अगर दूसरे धर्म की उनकी हिम्मत है तो बोल के दिखायो।
लेकिन हम इस देश को आगे लेके जाएंगे। आज इस देश को जाति जाति धर्म पंथ के नाम पे लोग बांटना चाहते, क्यों? क्योंकि देशी आगे चल रहा है, कुछ विदेशी देश इस देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, जो 2024 के चुनाव में जिससे उनको लाभ हो, लेकिन लाभ नहीं होगा। हम लड़ेंगे नहीं, हिंदू प्रेम से रहेगा और भारत माँ को आगे लेके जाएगा। क्या लग रहा है अभी ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, इससे बैकफुट पर जाएगी कांग्रेस, कुछ नुकसान होगा या फिर अपनी पोलराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? ये स्वाभाविक है कि कुछ धर्मों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देते हैं और देश में माहौल कांग्रेस खराब करना चाहती है। जिस तरह से पानी में से मछली को निकाल के बाहर रख दिया तो मछली छटपटाती है, तो आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके नेता छटमट कर रहे हैं। उनको तालाब मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि तालाब में अब कमल खिल चुका है और कमल खिल के देश को आगे लेके जाएगा ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नाच कर थिरक करके जो है कार्यकर्ता वो जश्न मना रहे हैं। और ना ही केवल यहाँ पर आप, बल्कि पूरे प्रीमिसिस में देखेंगे तो इसी तरीके से नाचते थिरकते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता नजर आएंगे। G20 की अपार सफलता को लेकर के आज जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस समय जो है लगातार नाच कर थिरक करके जो है यहाँ पर ये जश्न के रूप में जो है पूरा मनाया जा रहा है। और पीएम मोदी के आने से पहले आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जो है कितना ज्यादा यहाँ पर खुशी का माहौल है। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय मैं मौजूद हूँ, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ रोमित है, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। 24 की तैयारियां शुरू हो गई हैं, प्रधानमंत्री बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता जो है स्वागत के लिए हैं, लेकिन इसी बीच अभी बड़ी डिबेट चल रही है सनातन धर्म को लेकर। सिलसिलेवार तरीके से 6-7 दिन हो चुके हैं, रोज कमेंट आ रहे हैं, ए राजा रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, स्टालिन बोल रहे हैं, उनके उच्च शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हम 26 दल जो आए हैं INDIA में, हमारा मकसद यही है सनातन धर्म के खिलाफ एकजुट होना। सनातन के खिलाफ देखिए, कोई भी एकजुट हो जाए, चाहे कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन मोदी जी और उनके निर्देश में जो भी हमारी पार्टी कार्य कर रही है या जो भारतीय जनमानस है वो इस सनातन परंपरा को समझ गया। सनातन कोई एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, सनातन एक ऐसी परंपरा है जो आदि काल से लेकर अनंत काल तक रहेगी। सनातन अपने आप में एक परंपरा है। सनातन का मतलब ही यही होता है कि जो लगातार चलता रहे, उसमें कोई सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, उसके अन्य भी हमारे धर्म है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों का मतलब है कि वो एक सनातन से ही, हमारे सनातन परंपरा से निकले हुए हैं। और 2024 की बात, चुनावों की बात, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी शत प्रतिशत हर तरीके से जनमानस के सपोर्ट से पूरे भारत में आ रही है, और इसको विपक्षी पार्टियां भी समझ चुकी हैं। और आप जानिए कि गीदड़ों के इकट्ठे होने से शेर को कभी डराया नहीं जा सकता और शेर कभी हारा नहीं जा सकता। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार इस स्टेटमेंट को कांग्रेस कहती रही व्यक्तिगत राय है, निजी राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी कर्नाटक को लेकर के जब एक खबर चलाते हैं, सुधीर चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी लाइन से हैं, उन पर FIR कर दी जाती है, मनीष कश्यप का केस भी सब जानते हैं, तो एक तरफ तो ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन पर कोई सवाल उठाता है तो FIR हो जाती है कर्नाटक। देखिए, अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के अंदर रह के लोकतंत्र के साधनों का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो FIR जैसी चीज़ें या जो भी हमारे आप कह रहे हैं कि ऐसे उन पे आक्षेप या प्रक्षेप लग रहे हैं तो वो नहीं होंगे। और हर व्यक्ति, चाहे वो प्रेस का हो, मीडिया का हो, राजनेता हो, शिक्षक हो, सब एक लोकतंत्र के ही हिस्सा है और लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को चलना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन प्रेस के माध्यम से एक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियाँ करना वो भी एक अलग विषय है। तो FIR वगैरह जो जैसा विषय, मुझे लगता है कि वो उसी का ही एक प्रारूप कह सकते हैं। हम भी हमने देखा था अर्णब गोस्वामी पर भी एक साथ 200 जगह पर जो है FIR करवा दी गई थी, बाद में जो है राहत उनको मिली थी। कहीं ना कहीं ये इसको देखा जाता है जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जानबूझ करके जो है ये कांग्रेस जो है बदला लेना चाहती है। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। कांग्रेस क्या, अन्य पार्टियां भी इसके अंदर शामिल है। कांग्रेस कई बार खुद फ्रंट फुट पर आकर ये कार्य कर रही है और कई बार अन्य पार्टियों के माध्यम से ये कार्य कर रही है। चाहे अर्णब जी जैसे पत्रकार हो या अन्य भी पत्रकार हो, वो उनको कोई भी अगर मौका मिल रहा है, क्योंकि देखिए धरातल पे वो नहीं है, धरातल पे नहीं है, पार्टी संगठन के तौर पर वो नहीं है, जनमानस के अंदर वो नहीं है, अपनी योजनाओं के थ्रू नहीं है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर भी वहाँ की जनता उनसे ऊब चुकी है। अभी आने वाले 3 राज्य के सरकार में जो चुनाव होंगे, वहाँ सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और वो
एक दिशा निर्देश होगा जनता का, कांग्रेस पार्टी को, कि 2024 में क्या होने वाला है। एक आखिरी कमेंट, सोशल मीडिया पर जब से ये खबर आई है कि पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और उनका स्वागत होगा, ये लगातार कहा जा रहा है जो विपक्षी यहाँ पर कार्यकर्ता है कि ये केवल स्वागत ही करते रहते हैं। जब भी मोदी जी आते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी दिल्ली जो है स्वागत करती रहती है और कुछ काम नहीं है इन लोगों का। देखिए, स्वागत करने रही स्वागत करने की बात, ये बहुत ही हास्यपद उनका कमेंट है कि वो स्वागत ही करते रहते हैं। देखिए, अगर हमारा राजा एक अच्छा कार्य करके आ रहा है, एक हमारे घर का मुखिया भी कोई अच्छा कार्य करके आता है, तो हम उसका तिलक से स्वागत करते हैं, अन्य प्रकार के माध्यमों से स्वागत करते हैं। तो अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो कार्यकर्ता है वो इस देश की जनता ही तो है, तो देश की जनता अपने राजा का अगर स्वागत कर रही है, अपने मुखिया का स्वागत कर रही है, तो इसमें क्या गलत है? हर्षोल्लास की स्थिति है आज पूरे भारत के साथ, पूरे भारत में विश्व का जो एक डंका बज चुका है G20 के माध्यम से, और इस तरह के आगे भी और अन्य ब्रिक्स सम्मेलन है और सम्मेलन होने हैं, फिर आपका ओलंपिक का भी बातचीत चल रही है, तो एक हमारे लिए गर्व की बात है।